अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहनाज से पंगा लेकर दुश्मनी भारी पड़ी पारस छाबड़ा माहिरा शर्मा को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पारस छाबड़ा, माहिरा शर्मा, शहनाज गिल, इन सब को हमने बीबी 13 में देखा था। सबको नई और पहली बार हमने देखा था। लेकिन दोस्तों, जब स्टेज पर शहनाज वाइट अवतार में आई, मानो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। लेकिन दोस्तों, वहीं पर पारस छाबड़ा भी था। जब शहनाज और सलमान खान का टास्क चल रहा था, वहाँ शहनाज ने पारस छाबड़ा को चुना। उसके बाद उनकी दोस्ती हुई। दो हफ्ते बीते बिग बॉस 30 में। उसके बाद माहिरा शर्मा के साथ पारस छाबड़ा ने अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए शहनाज से पंगा लिया। जी हाँ दोस्तों, दोनों के बीच में दुश्मनी साबित हो गई, जैसे कि पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा की। और ये दुश्मनी इतनी भारी पड़ गई कि बिग बॉस ख़त्म भी हुआ तो ये तीनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम ये लोग सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी टाइम पे मिले थे। जी हाँ दोस्तों, जब सिद्धार्थ शुक्ला का ऐसा हो गया था तो ये लोग एक दूसरे से मिले थे, जहाँ इंटरव्यू में माहिरा शर्मा ने कहा। उसके बाद इन तीनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, ये पंगा, ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ी, क्योंकि दोस्तों बिग बॉस के बाद अगर शहनाज इतने आगे बढ़ गए, क्योंकि शहनाज प्योर थी, प्योर सोल थी, अपनी मेहनत से आगे बढ़ गए। माहिरा भी आगे बढ़ी, लेकिन पारस छाबड़ा वही पीछे के पीछे रहेगा। दोस्तों आप भी कमेंट्स में बताइए, सही है या गलत है।